अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद दून में आप सभी का खैर मकदम है। आप भूल गए होंगे लेकिन हम नहीं भूले हैं। क्या आपको मालूम है आज बेलगाम में चीता नजर आने की बरसी है। बराबर एक साल गुजर गया पर चीता हाथ नहीं आया। आज ही के दिन चीते ने मुल्की सतह पर सुर्खियां बटोरी थी। वैसे पहले चीता किसी मजदूर पर हमला करने की खबर को शाया किया गया था, लेकिन जब 21 अगस्त को सुबह चीता नजर आया तो चीते की मौजूदगी को लेकर तमाम शहर हैरान हो गया था। आज वैसे मौजूद चीता नहीं है पर बेलगाम में जानवरों का डर आज भी उतना ही है। जानवर बदलते रहते हैं पर किसी न किसी जानवर का डर मुस्तकिल है। फिलहाल कुत्तों को लेकर बेलगाम शहर डर खौफ के साए में है। अगर चीते की सालगिरह भी मना दी जाए तो फिर चीता गया कहाँ? यह सवाल का जवाब अब भी कोई नहीं दे पाए। सवाल इसलिए लाजिम हो जाता है क्योंकि हुकूमत ने लाखों रुपए भी तो इस पर खर्च किए थे। जानवरों पर खर्च ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि अब जब कुत्तों की बारी आई तो कुत्तों पर भी नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो ही जाते हैं पर पैदावार तो बढ़ी रही है। कुत्तों से क्या वाकई फायदा हुकूमत को है, इसके भी तफसीलात अब तक नहीं दिए गए। बेलगाम शहर में 20,000 कुत्तों की तादाद बताई जा रही है। सेहत महकमा बता रहा है कि नसबंदी का टेंडर कोई लेना नहीं चाहता, तो फिर 50 लाख रुपए नसबंदी पर खर्च होने की बात किस बुनियाद पर बताई जा रही है? खैर, जिस तरह चीते पर खर्च पूछ नहीं सकते उसी तरह कुत्तों की नसबंदी का हिसाब भी शायद पूछना मना होगा। लेकिन यहाँ तो आवाम की जान पर बनाइए। रात को मजदूरी कर फैक्ट्रियों में काम कर घर लौटने वाले कुत्तों को देखकर दुआएं पढ़ने लगे हैं। 12 हादसात में जख्मी होने की वारदातें भी रोजाना पेश आ रही है। अब तो कुछ जगहों पर गाय बैल भी हमलावर होने की इत्तला हासिल हो रही है। सड़कों पर जानवरों का रास्ता रोको तो अब कई बड़े चौराहों पर नजर आता है। स्कूल जाती बच्चियों पर हमला करने के साथ बुजुर्गों पर हमला होने के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा जा रहा है और देखकर जिस्म सहर जाता है। आखिर इनका इलाज क्यों नहीं किया जाता? अगर आजकल गाय बैलों का जिक्र किया जाए तो एक तबके को बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि इन्होंने तो कई कमिटियां तंजीमें इदारे बना रखे हैं। अब तो हर जगह पर फर्जी गो रक्षक भी नजर आते हैं। इन्हें बजाय सड़कों पर प्लास्टिक खाने वाली गाय को गौशाला भेजने की बजाय कोई टेम्पो तो नहीं जिसमें से बीफ गोवा तो नहीं ले जा रहे, इसकी फिक्र में ये गोरक्षक उलझे हुए रहते हैं। क्योंकि आजकल भगवा गमछा मतलब सरकारी दादा इस तरह हो गया है। लिहाजा अगर किसी टेम्पो में बीफ नजर आता है या मिल जाता है तो कुछ हाथ इन गोरक्षकों के भी गीले हो जाते हैं। अच्छा है कांग्रेस की हुकूमत आने से थोड़ा बहुत इनकी दादागिरी कम हुई है, वरना तो भाजपा के दौर में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब जानवरों से इंसानों की जान ज्यादा कीमती और अहमियत की हामी हो गई थी, तभी तो कोई सड़क चौराहे पर रास्ता रोको करने वाले बड़े जानवर और रात में कुत्तों की परेशानी से बेलगाम जैसे कई शहर में आवाम परेशान है। पर इसका इलाज करने से हुकूमत कासिर है। आजम नगर में अरकान पर हमला होने के बाद तस्कर और तबसरा तो हो रहा है पर कार्रवाई शहरी सतह पर नजर नहीं आ रही है, ऐसा आवाम का कहना है। अगर पूरे जिले की बात कही जाए तो 8,000 लोगों को काटने का रिकॉर्ड बेलगाम कुत्तों के नाम दर्ज किया गया है और नसबंदी महज 2,000 कुत्तों की गई है। मतलब अभी भी 18,000 कुत्ते बाकी है जो और बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर इस तरह धीमी रफ्तार रही तो अगले साल तक 40,000 कुत्ते और 16,000 लोगों को काटने का रिकॉर्ड भी तो बन सकता है। इसी तरह गोमाता का नारा लगाने वाले जब किसी बड़े जानवर को ठोकर मार शदीद जख्मी हो जाता है तो कहीं पर नजर नहीं आते। वैसे भी जल्द कांग्रेस हुकूमत गोत्या कानून को वापस लेने का ऐलान तो कर चुकी है पर कब इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 5 गारंटी के पीछे फिलहाल कांग्रेस पड़ी हुई है। दरअसल कुदरत का तवाजन ही नहीं हो पा रहा। गौशालाएं तो बनाई गई पर यहां भी इनकी देखभाल नहीं हो रही है, ऐसा इल्जाम बारहा लगाया जाता रहा है। फर्जी गोरक्षक बनकर मुसलमानों का कत्ल करने वाले गोरक्षक उत्तर भारत में योगी राज में देखने को मिलते हैं। खैर, कहने का मतलब किसान अपने जानवरों को बेचना चाहता है मगर बजरंग दल जैसे तंजीमों के डर से नहीं बेच पाता और ना ही इनके जानवरों को सही दाम दिया जाता है, लिहाजा सड़कों पर जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही है जिससे सड़क हादसे हो जाते हैं। बाज़ औकात लोगों को अपनी जानों तक को गंवाना पड़ता है। इसी तरह कुत्तों के काटने से कई मरीज जान बहक हो चुके हैं। कई मरीज इन्फेक्शन की वजह से कुत्तों की तरह आवाज भी निकालने लगते हैं। आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या इंसान की जिंदगी जानवरों के सामने कुछ मायने नहीं रखती? अगर है तो फिर आज भी लोग जानवरों से खौफज़दा क्यों हैं? क्यों वो अपनी जान को मुट्ठी में लिए आज भी रात को या दिन को बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है? चीता लकड़बग्घा से लेकर कुत्ता गाय बैल तक क्या सरकार संजीदा है? ये सवाल हमेशा की तरह आज भी लाजवाब ही है, कह सकते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।